आज जो भी बोलूंगा पूरे दिल से बोलूंगा, हो सके तो अपने अंदर तक इस बात को जाने देना कि अगर फायदा चाहिए ब्रह्मचर्य का तो उससे पहले थोड़ा सहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और तपस्या की जरूरत है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य के लिए पेशेंस होना चाहिए, धैर्य और पैशन होना चाहिए कि आपके अंदर कितना जुनून है ब्रह्मचर्य को लेकर। कोई एक होगा जो सही मायने में लॉकडाउन भी लगे ना और कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस उसके सामने क्यों ना आ जाए, वो हार नहीं मानेगा दोस्त, वो उसी में डटा रहेगा, मेहनत करेगा, खुद पे काम करेगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? कुदरत देख रही है आपको, वो टेस्ट ले रही है आपका। यहाँ पर आपका एक इम्तिहान है। हम सब भली भांति ये बात जानते हैं कि जितनी ज़्यादा तगड़ी एग्ज़ाम होगी, जितना ज़्यादा कंपटीशन हाई होगा, वहाँ पर रिवॉर्ड भी उतना ही होगा। और सोचो कितना ज़्यादा चैलेंज आएगा सामने, क्योंकि रिवॉर्ड उसी को मिलता है ना जो वो चैलेंजेस को पार कर पाता है। अगर कोई बहुत दिनों से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी में वो डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए, लेकिन जो शुरुआत कर रहा होता है उसके लिए हर छोटी छोटी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस का आकार लेती है। अब आपको देखना होगा यहाँ पर कि डिस्ट्रैक्शन के नज़रिए से मैं उस चीज़ को देखूँगा या फिर मैं उसको देखूँगा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, जहाँ पर मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँ। यानी कि मान लो अगर किसी भी दिन आपके ऊपर ऐसा माहौल छा जाए जहाँ पर काम वासना अपने चरम पर हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस चीज़ को डील करने में, तो वहाँ पर आप पुशअप्स लगाएं और इतने पुशअप्स लगाएं ना कि ज़िंदगी में आपने इससे पहले इतने पुशअप्स कभी ना लगाए हो। समझ रहे हो? यह अपॉर्चुनिटी की बात, आप उसको कैसा और किस नज़रिए से देखते हो वो मायने रखता है।